आशा के मोती चैनल में गोवर्धन पूजा की कहानी। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन उत्सव मनाया जाता है। इस दिन बलि पूजा, अन्नकूट, मार्ग पाली आदि उत्सव संपन्न होते हैं। यह ब्रजवासियों का मुख्य त्यौहार है। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से शुरू हुई। गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर फूल माला, धूप, चंदन आदि से उनका पूजन किया जाता है। गौओं को मिठाई खिलाकर उनकी आरती उतारी जाती है और प्रदक्षिणा की जाती है। गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर जल, मोली, रोली, चावल लगाकर पूजा करते हैं और परिक्रमा करते हैं। तथा एक बार श्री कृष्ण गोप गोपियों के साथ गायें चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि हजारों गोपियां गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के भोजन रखकर बड़े उत्साह से नाच गाकर उत्सव मना रही हैं। श्री कृष्ण के पूछने पर गोपियों ने बताया कि मेघों के स्वामी इंद्र को प्रसन्न रखने के लिए प्रतिवर्ष यह उत्सव होता है। कृष्ण बोले, यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाएं तब तो इस उत्सव की भी कुछ कीमत हो। गोपियां बोली, तुम्हें इंद्र की निंदा नहीं करनी चाहिए, इंद्र की कृपा से ही वर्षा होती है। श्री कृष्ण बोले, वर्षा तो गोवर्धन पर्वत के कारण होती है, हमें इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। सभी गोपी ग्वाल अपने अपने घरों से पकवान लाकर श्री कृष्ण की बताई विधि से गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इंद्र को जब पता चला कि इस वर्ष मेरी पूजा न कर गोवर्धन की पूजा की जा रही है, तो वह कुपित हुए और मेघों को आज्ञा दी कि गोकुल में जाकर इतना पानी बरसाएं कि वहां पर प्रलय का दृश्य उत्पन्न हो। मेघ इंद्र की आज्ञा से मूसलाधार वर्षा करने लगे। कृष्ण ने सब गोपियों को आदेश दिया कि सब अपने अपने गाय बछड़ों को लेकर गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुँच जाए, गोवर्धन ही मेघों से रक्षा करेंगे। सब गोप गोपियां अपने अपने गायें, बछड़ों, बैलों को लेकर गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण कर छाता सा तान दिया। सब ब्रजवासी 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत की शरण में रहे। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक जल की बूंद भी नहीं पड़ी। ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि पृथ्वी पर श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, उनसे तुम्हारा बैर लेना उचित नहीं है। श्री कृष्ण अवतार की बात सुनकर इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर बहुत लज्जित हुए और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगे। श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन को नीचे रखकर ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से यह गोवर्धन पर्व के रूप में प्रचलित हो गया। बोलो कृष्ण भगवान की जय।